हियर इज द क्वेश्चन, टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी इन द लिक्विड फेज आर 1:3 देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, आपको कैलकुलेट करना है। देखो बेटा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन रेशियो नहीं दिया, क्या दिया है, मोल रेशियो दिया है, पहली बात तो ये। सेकंड चीज यहाँ को पी नॉट ए और पी नॉट बी का रेशियो दिया है। थर्ड चीज आपको वाई ए कैलकुलेट करना है। तो नाउ आपको रिलेशन पता होना चाहिए बेटा राउल्स वर्सेस डाल्टन के बीच में, राउल्स वर्सेस डाल्टन के बीच रिलेशन होता है पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। जिस तरह से ये रिलेशन ए के लिए तैयार हुआ है उसी तरह से बी के लिए भी तैयार होगा, पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी। ओके नाउ अब यहां पर देखो हमें रेशियो दिया है सबके, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहां पर आप डिवाइड करोगे तो पी टोटल से पी टोटल कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या पी नॉट एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई बी बचेगा। नाउ पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी रेशियो दिया है आपको 1:3, एक्स ए और एक्स बी नहीं दिया, लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी लिक्विड फेज हमें कितना दिया है 1:3 मोल रेशियो दिया है। ठीक है तो मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लो कितना हो जाएगा 1/4, एक्स बी का कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है इज इक्वल टू क्या जाएगा वाई ए अपॉन वाई बी। आपको वाई ए कैलकुलेट करना है, एक रिलेशन आपको यहां ये पता होना चाहिए कि वाई ए प्लस वाई बी क्या होता है 1 होता है। अगर मुझे वाई ए कैलकुलेट करना है तो वाई के लिए रिलेशन बन जाएगा, चलो ये भी रहने दो इसको भी सॉल्व करा देंगे सिंपल फॉर्म में। अभी यहां दिया देखो, देखो 1/4 / 3/4, 4 से 4 गया क्या आ गया ये 1/9 इज इक्वल टू क्या आ गया वाई ए अपॉन वाई बी। यहां से चेक करो वाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया 9 टाइम्स ऑफ वाई हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, इसे उठाओ यहां पर पुट कर दो तो वाई ए प्लस 9 वाई ए इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है क्यों वाई बी क्या लिख दिया 9 इंटू वाई ए कितना हो गया वाई ए इज इक्वल टू 1/10, तो इसका आंसर कितना जाएगा 0.1। तो हियर इज योर आंसर एंड चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन।